वेलकम बैक, व्हाट्स गोइंग ऑन पोकेमॉन गो ट्रेनर। सो गाइस, सुनने में आ रहा है कि नायंटिक हाल फिलहाल में पोकेमॉन अकाउंट्स को बैन कर रहा है। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इजीली अनबैन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। सो गाइस, बिना किसी देरी के, बिना कोई वक्त गवाए, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर आपको अपने किसी भी पोकेमॉन गो अकाउंट जिसमें बैन आ चुका है उसको हटाना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा नायंटिक के द्वारा। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, जिस पर आपको नायंटिक कॉन्टैक्ट करेगा फर्दर और आपको हेल्प करेगा। इसके बाद आपको इशू कैटेगरी, सो गाइस आपने बैन अपील को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपका वो डिस्क्रिप्शन देने, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका अकाउंट कैसे बैन हुआ या फिर गलती से बैन हुआ है, तो वो सब आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है इसमें। अटैच फाइल में आप कर सकते हैं चूज़ फाइल्स में, आपको अपने पोकेमोन को अकाउंट से रिलेटेड स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश जो भी आपको चुननी है भाषा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, जो जो नेसेसरी फील्ड है, रिक्वायर्ड फील्ड है, उनको भरना ज़रूरी है, इसके बिना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। गाइस, जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपको नायंटिक सपोर्ट की तरफ से एक ऑफिशियल मेल आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो अनबैन की अपील थी वो रिसीव हो चुकी है, और वो जल्दी से जल्दी इस पर फॉलो अप करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको रिव्यू करेंगे। और अगर आपकी जो अनबैन अपील है वो सही हुई तो आपको जो आपका परमानेंट अकाउंट बैन हुआ था वो हट जाएगा। गाइस, इतने सारे स्टेप्स आपके कैसे किसी भी पोकेमॉन गो अकाउंट को परमानेंट बैन से रिमूव कर सकते हैं हमेशा के लिए। सो गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, एंड आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। सी यू देन।